नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में चांगेट से लेकर एकता सर्किल तक के डिवाइडरों तथा पार्किंग को हटाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पार्किंग के अभाव में होने वाली परेशानियों को देखते हुए शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने उक्त पार्किंग व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग की है। मंगलवार को शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने उक्त मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया तथा नगर परिषद सभापति से मुलाकात की। इस दौरान सभी पदाधिकारी चांगेट से एक रैली के रूप में एसडीएम ऑफिस पहुंचे। रैली में दो पहिया वाहनों पर सवार व्यापारी पार्किंग व्यवस्था को पुनः बहाल करने तथा व्यापारिक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद व्यापारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद प्रशासन ब्यावर द्वारा पहले से तय पार्किंग स्थल को हटाने का निर्णय लेकर डिवाइडरों पर खड़े होने वाले वाहनों को खड़ा करने की सख्त पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण बाजार के व्यापारियों तथा ग्राहकों को वाहन पार्किंग के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि मूल समस्या रेहड़ी ठेले तथा पल्ली लगाकर व्यापार करने वाले, सब्जी में फुटकर व्यापार करने वाले पुरुष व महिलाओं की है, जिन्हें उचित व अधिकृत व्यापारिक स्थल मुहैया करवाना बहुत जरूरी है, जबकि इस व्यवस्था को अंजाम देने में नगर परिषद प्रशासन नाकाम रहा है। ऐसे में सिर्फ मनचाहे निर्णय लेकर शहर के आम नागरिकों व व्यापारियों को परेशान करना कतई उचित नहीं है, जबकि आम जनता व बाजार के ग्राहकों में इस नई पार्किंग व्यवस्था से भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में व्यापारियों की प्रार्थना पत्र पर तुरंत संज्ञान लेकर बाजार की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को पूर्ववत करने के आदेश करने की आशा प्रकट की है। इसके बाद व्यापारियों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। मुलाकात के दौरान व्यापारिक एसोसिएशन के संजय घिया, अमित पटेल, पवन कुमार जैन, दीपक चंदवानी, मुकेश कुरनानी, विजय कुमार, विष्णु प्रकाश, श्याम सुंदर, कन्हैयालाल तथा ओम प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। आज समस्त व्यापारिक संगठनों और पाली बाजार के जो चांगेट से लेके और एकता सर्किल तक के जो व्यापारी हैं, उन लोगों ने अपनी पार्किंग व्यवस्था, पुरानी पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने के लिए आज एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि व्यापारियों को इस नई पार्किंग व्यवस्था से समस्याएं पैदा हो रही है, व्यापार पर इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, और जो पार्किंग व्यवस्था वर्तमान में है वो तीन भागों में बढ़ रही है, हर तीनों भागों में पाँच पाँच सात सात फीट जगह रुकती है, और ऐसा करके मार्केट का 21 फीट 22 फीट रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, जबकि पुरानी जो व्यवस्था थी, अगर प्रशासन से कड़ाई से व्यवस्था को लागू करे, सब्जी वालों को, ठेले वालों को मार्केट में आने से रोके, तो पुरानी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रह सकती है, प्रभावी रह सकती है, और उसमें कम जो अवरुद्ध होगा मार्ग और व्यापारियों को आसानी रहेगी, मार्केट में वापस जो ग्राहक अभी वर्तमान में नहीं रुकते हैं इस पार्किंग व्यवस्था को देखकर, वो वापस रुकेंगे, और बाजार का व्यापार जो एक पूरा अच्छा खासा राजस्व ये पाली बाजार देता है चांगेड़ से एकता सर्किल तक, वो वापस पुनः यथावत रूप से होगा, सभी व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी। जो संगठन इकट्ठा हुआ है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि महामारी, इतनी बड़ी महामारी के बाद व्यापार पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है, और उसके बाद में जो व्यवस्था पार्किंग की सुचारू चल रही थी उसे थोड़ा सा नया रूप दिया गया, लेकिन नए रूप को जो व्यवस्था थी उसको तीन भागों में डिवाइड हो गया, तीन भागों के कारण से मार्केट में अवरुद्ध ज़्यादा होने लग गया, व्यापारी के पास कस्टमर रुकता नहीं है, भीड़ देख के और प्रशासन या पुलिस वाले आते हैं तो उनको देख के वो व्यापारी वहाँ से क्या नाम वहाँ से निकल जाता है, उससे व्यवस्था और तकलीफ़ में आती जा रही है, व्यापारी सभी बहुत तकलीफ़ में हैं।